नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम अशोक सक्सेना जी की कहानी ओवरेज पढ़ेंगे। अशोक सक्सेना जी का जन्म 23 दिसंबर 1953 को भरतपुर राजस्थान में हुआ। इनके अब तक 3 कथा संग्रह उसका मरना, अब्बू और माई का लाल प्रकाशित हो चुके हैं। आज की वीडियो की कहानी ओवरेज अशोक सक्सेना जी के उसका मरना कथा संग्रह में संकलित है। अशोक सक्सेना जी की यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की चिंताओं को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। यह कहानी उन बिंदुओं की पड़ताल करती है जहां त्रासद स्थितियों से गुजरता हुआ मानव मन अपनी मनोवैज्ञानिक यात्रा पूरी करता है। नौकरी की तलाश और नौकरी के लिए ओवरएज होने की प्रक्रिया किसी परिवार के लिए कितना क्रूर यथार्थ हो सकते हैं, यह कहानी हमारे सामने ऐसा ही दृश्य प्रभावी रूप में प्रस्तुत करती है। आइए पढ़ते हैं कहानी। शर्ट में साबुन घिसता मेरा हाथ क्षण भर को रुक गया। इस तंग कोठरी नुमा गुसल खाने के किवाड़ के पीछे रखी बाल्टी खिसकाते हुए मैंने किवाड़ थोड़ा खुला रहने दिया। अब पिताजी की झुंझलाहट भरी तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हरामखोरों ने घर को धर्मशाला समझ रखा है, सुबह शाम आना और खा पी कर निकल जाना। देर रात तक आवारागर्दी करते घूमेंगे और सुबह 9 बजे तक गधों की तरह पड़कर सोएंगे। तीसरा कोई काम नहीं। मैं किसी तरह गाड़ी खींच रहा हूँ, समझ नहीं आता इस तरह ये दोनों किस तरह जिंदगी पार करेंगे। पिताजी रोज की तरह ऑफिस जाने से पहले हम दोनों का गुस्सा अम्मा पर उतार रहे थे। मैं कहता हूं तुम इन सपूतों से कहती क्यों नहीं, मैं आखिर कब तक भाड़ झोंकूंगा। क्या कहूं, दोनों बराबर के हो गए, समझदार हैं खुद, बेचारे इधर उधर भागदौड़ करते रहते हैं, हमारा तो नसीब ही खोटा है। अम्मा का स्वर बेहद ठंडा था। नसीब को क्यों रोती हो, यों क्यों नहीं कहती कि दोनों हरामखोर हैं। कोई घर आकर तो नौकरी का परवाना दे नहीं जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ती है। अम्मा चौके में बर्तन मांज रही थीं। पिताजी हम दोनों भाइयों के निकम्मेपन को झींकते रहे और अम्मा जैसी कि उसने आदत बना ली थी चुपचाप सुनती रहीं। प्रतिवाद करने की ताकत वह कब की खो चुकी थी। पिताजी जब 10 बार पूछते तब वह किसी बात का 1 बार जवाब देती। मैंने कभी अम्मा को बहुत खुश नहीं देखा। वह बहुत किफ़ायत से चलती, कम से कम खर्च में पति और बच्चों को अच्छा खिला पहना सकें, उसके लिए इससे बड़े सुख की कोई बात न थी। काफ़ी कतर ब्योत करने के बाद महीने के अंत में वह थोड़े बहुत रुपए बचा पाती, लेकिन उसका यह संतोष सुख कुछ दिनों ही रहता। वह शायद हमेशा सोच विचार में डूबी रहती और जो सोचती वह कभी पूरा नहीं होता था। इसी मृग तृष्णा मैं उसकी उम्र कट रही थी। मैं गुसल खाने से कपड़े धोकर सुखाने जा रहा था कि पिताजी से सामना हो गया। फाइलों के भारी बस्ते का बोझ उठाए वे आंगन में रखी साइकिल की तरफ बढ़ गए। गीले कपड़े यों ही अलगनी पर डालकर मैंने साइकिल बाहर निकाल दी। कैरियर पर बस्ता लगाते हुए उन्होंने पूछा, गिलास फैक्ट्री गए थे? कल हो आया था, मैंने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, क्या कहा, गुप्ता से मिले थे? ऑफिस में कोई जगह खाली नहीं है, टाइपिस्ट की जगह 3 दिन पहले भर चुकी है। मैं हफ्ते भर से कह रहा हूं भाई, अर्जी लिखकर दे आओ, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आना। आज गुप्ता मैनेजर है तो कर जाएगा, लेकिन यहां सुनता कौन है? पिताजी न जाने क्या क्या बकते रहे। मैं जल भुनकर रह गया। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद गवर्नर हैं और गुप्ता इनके बाप का दिया खाता है, जो इनकी बात टाल नहीं सकता। साले ने सीधे मुंह तक बात नहीं की। हाँ हाँ ठीक है, आप माथुर साहब के लड़के हैं? जानता हूँ भाई, उनको खूब जानता हूँ, साथ पढ़े हैं हम लोग। आपके पिताजी ने मुझसे शायद आपके बारे में जिक्र तो किया था, पर आप काफ़ी देर से आए। मैंने 3 दिन पहले ही एक टाइपिस्ट रखा है, आप मिलते रहिए, कोई जगह होगी तो देखूंगा। मौके से फायदा उठाना कभी सीखोगे कि नहीं, या यों ही सारी जिंदगी बेकार आवारागर्दी में गुजारनी है?
पिताजी का मूड पूरी तरह चौपट नजर आ रहा था। आमतौर पर दफ्तरों से लौटते हुए लोग बेहद थके, सुस्त और उदास होते हैं, लेकिन पिताजी का हाल बिल्कुल उल्टा था। सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए इस तरह घर से निकलते गोया एकाएक सिर पर आ पड़ी कोई बला टालने जा रहे हों। ठीक है, खूब मनमानी करो तुम लोग, तुम्हारी लापरवाही तुम्हें बर्बाद कर देगी, मैं हमेशा थोड़े ही बैठा रहूंगा, भुगतना तुम लोगों को ही पड़ेगा। पिताजी साइकिल लिए आगे बढ़ गए। मैं उनके झुके हुए कंधों और काली कृशिकाय आकृति को देर तक घिसटते हुए देखता रहा। अम्मा, 10 रुपए की सख्त जरूरत है, तुम्हारे पास हो तो। मेरी आवाज में घुल आई रिरेहाट से अम्मा की आंखों में असीम वेदना तैर गई। मैं तुम्हें 2-4 दिन में वापस कर दूंगा, मैंने जल्दी से कहा तो वह धीरे से हंस दी। मुझे लगा जैसे अम्मा की आंखें कह रही हों, कहां से वापस कर देगा, रुपए पैसे की जरूरत होती है तो इनसे क्यों नहीं कहता, मेरे पास इतने रुपए कहां रखे हैं, कल ही तुझे 50 रुपए दिए थे, क्या कराया। मैं क्या सफाई देता कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था जिसमें 35 रुपए फीस के हो गए, 8 रुपए के 3 पासपोर्ट साइज फोटो और 5 रुपए की डाक रजिस्ट्री, बाकी बचे 2 रुपए जो मेरी जेब में अब भी पड़े थे, निकाल कर मैंने अम्मा के हाथ में थमा दिए। कल के रुपयों में से ये 2 बचे हैं। सिर्फ 2 बचे हैं, अम्मा ने किंचित आश्चर्य से पूछा। नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, सब उसी में लग गए, 35 रुपए तो फीस ही थी, मैंने कहा तो वे पस्त आवाज में बोली, कमबख्तों ने धंधा बना लिया है, यहां फॉर्म भरो वहां फॉर्म भरो, नौकरी चाकरी कुछ मिलती नहीं, हर बार 150 का जूता लग जाता है। अम्मा उठकर कमरे में चली गई। हाथ में ली हुई फाइल मैंने अकारण खोल डाली, प्रमाण पत्रों के पुलिंदे को उलट पुलट कर देख गया। हॉकी टीम का कप्तान, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, कॉलेज की कल्चरल एसोसिएशन का सेक्रेटरी, हाथ की सुंदर लिखावट में अंकित MA/BA की डिग्रियां, NCC का बी श्रेणी का सर्टिफिकेट, सन 78 का सर्वश्रेष्ठ स्काउट। मन में आया कि सारे प्रमाण पत्रों के टुकड़े टुकड़े कर कूड़ेदान में फेंक दूं या चिंदियां बनाकर आकाश में उछाल दूं। अम्मा ने 10 का नोट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, न जाने कैसे कैसे 150 रुपए आड़े वक्त के लिए जमा किए थे, यही आखिरी बचा था, चलो छुट्टी हुई। अम्मा के हाथ से मैंने नोट ले तो लिया, लेकिन जल्दी ही तय नहीं कर पाया कि क्या करूं। इच्छा तो हो रही थी कि रुपए वापस करके कह दूं कि अपने रुपए रख लो आड़े वक्त के लिए, टाइप टेस्ट अब नहीं तो अगली टर्न पर हो जाएगा, लेकिन हाथ में कसमसाते 10 के नोट ने सोचने को मजबूर कर दिया। 6 महीने टाइप सीखने के बाद तो आज टाइप टेस्ट का चांस मिला है, क्षणिक आवेश में इसे यों हाथ से निकल जाने देना महज बेवकूफ़ी होगी, और फिर कभी न कभी तो नौकरी मिलेगी ही, अम्मा का सारा भरोसा एक साथ भर जाएगा। फिलहाल 150 के ट्यूशन पकड़कर अपना खर्चा तो निकाल ही सकता हूं। मन को झूठी तसल्ली देते हुए मैं बेहया की तरह घर से निकला। चलते समय अम्मा ने कहा, शाम को जल्दी लौटना। उस शाम मैं तो 4 बजे तक घर लौट आया, लेकिन पिताजी कुछ ज्यादा ही देर से आए। उस दिन उन्हें ऑफिस से लौटते रात हो गई थी। शशि और सुधीर खाना खाकर पढ़ने बैठ गए थे। इन दिनों दोनों की परीक्षाएं चल रही थी। कमरे में दीपू की धमाचौकड़ी से परेशान दोनों किताबें बंद करके पिताजी का इंतजार कर रहे थे। घर भर में दीपू डरता है तो सिर्फ पिताजी से। मेरी डांट फटकार का उस पर कोई खास असर नहीं होता, अम्मा का तो बिल्कुल ही नहीं। उसकी शैतानियों से तंग आकर कभी शशि या सुधीर उस पर हाथ छोड़ बैठें तो वह रो रोकर जी हलकान कर लेता है। इम्तिहान के दिनों में यह आफत कौन मोल ले, ले देकर यही एक कमरा है, एक रूम और किचन के इस शानदार फ्लैट में हम लोग उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह की इस देश के लाखों नौकरी पेशा लोग इतनी जगह में आराम से गुजर सकते हैं। पहले हम लोग तुर्कमान गेट के पास
एक मकान में किराए पर रहते थे। मेरा बचपन वहीं गुजरा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 7वीं में पढ़ता था, तब पिताजी को यह क्वार्टर अलॉट हुआ था। उन दिनों दिल्ली में क्वार्टर्स की आज जितनी परेशानी नहीं थी। शुरू में अपने क्वार्टर का एक कमरा हम भाई बहनों के पढ़ने के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद पिताजी ने 150 रुपये महीने पर वह कमरा किराए पर उठा दिया था। आज तो उस कमरे से 300 रुपये महीने आते हैं। इसे खाली कराकर स्टडी रूम बनाने की बात अब शायद सोची भी नहीं जा सकती। चारपाई पर बेसुध सोए दीपू को रजाई उड़ाकर अम्मा ने बिछौना ठीक कर दिया। चूल्हे चौके के कामकाज से फुर्सत पाकर वह सुस्ताने बैठ गईं। पिताजी रात को करीब 9 बजे आए तो ऊँगता हुआ कमरा जैसे एकाएक जाकर बैठ गया। आज इतनी देर कैसे हो गई पापा? शशि ने पूछा। दोपहर को खन्ना बाबू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उनकी कंडोलेंस मीटिंग के सिलसिले में देर हो गई। पिताजी ने स्वर को काफी सहज और हल्का बनाना चाहा। बहुत बुरा हुआ, क्या उम्र रही होगी? अम्मा ने उठते हुए पूछा। मुश्किल से 50 पार किए होंगे, औरत और 4 बच्चे छोड़कर गया है। हे ईश्वर, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, अम्मा भावुक हो उठी थी। बेचारा तो मरकर मुल्तान पहुंचा, बुरा तो घर वालों के साथ हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी जगह सरकार उसके लड़के को नौकरी पर लगा देगी। आग लगे ऐसी नौकरी में, अम्मा ने घृणा से भरकर कहा। क्यों, इसमें क्या बुराई है? खन्ना अब नहीं तो रिटायर होने के बाद मरते, अब कम से कम बेटे को नौकरी तो दिला गए, सुधीर ने अवज्ञा से कहा। वास्तव में अजीब बात है, बेचारा कई साल से फाएं फाएं कर रहा था, लड़के की नौकरी के लिए भाग दौड़ में उसने दिन रात एक कर रखा था, लेकिन बल्ली कहीं थाह नहीं खा रही थी। बेचारे का मरकर ही पीछा छूटा। जो समस्या जीते जी हल न कर सका, वह मरने के बाद अपने आप खत्म हो गई। पिताजी की निराशा भरी आवाज़ से कमरे में मनहूस रात का आतंक जैसे धीरे धीरे उतरने लगा था। घर के वातावरण में एक अजीब खामोशी छा गई थी। मौत किसी के यहां हुई और मातम हमारे यहां मन रहा था। भैया, शायद 2-4 महीने में आप भी ओवर एज हो जाएंगे, सुधीर ने कहा तो मैं जैसे सोते से चौंक गया। उस क्षण पिताजी का चेहरा न जाने कैसा हो आया था। उनकी आंखों से असीम वेदना टपक रही थी। मुझसे देखा नहीं गया, घबराकर मैंने उधर से नजरें हटा ली। कमरे में फैल गए सन्नाटे को तोड़ने की गरज से मैंने सुधीर से कहा, मैं हाँ, लेकिन तुझे क्या चिंता हो रही है? नौकरी न मिले न सही, हाथ पांव तो सलामत हैं, अभी से तू क्यों सोचता है इन बातों को? अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे। अम्मा और पिताजी के सामने ये बुजुर्गियत भरे वाक्य मैं पता नहीं कैसे कह गया। उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। सुधीर कहां तक सोच गया था, मुझे उस पर कभी आश्चर्य और कभी दुख हो रहा था। इस ढंग से नौकरी पाने की कल्पना मात्र से रोमांच हो आया। मन ही मन अम्मा की बात को मैंने कम से कम 10 बार दोहराया होगा, आग लगे ऐसी नौकरी में। लेकिन मन का यह छलावा ज्यादा देर न टिक सका। पांवों के नीचे का आधार बहुत कमजोर हो तो चाहे जितना सीना फुलाकर मुट्ठियां आकाश में तानो, मन तो पांव के नीचे ही चक्कर काटता रहेगा। ज्यों ज्यों पिताजी का रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है त्यों त्यों घर की दीवारें जमीन में नीचे धंसती जा रही हैं। तो क्या इस घर को बचाने के लिए पिताजी को खन्ना की तरह? उफ, हद हो गई, मैंने मन ही मन स्वयं को बहुत भारी गाली दे डाली। सोने की कोशिश में सिर पर चादर लपेट कर लेट रहा।